देखो दोस्तों चूजे कितने शौक से खा रहे हैं शक्कर। मुंह खोल के इसका इस तरह से मुंह खोल के दो बंदे पकड़ लें और मुंह में पाइप डाल के और आराम आराम से इस तरीके से इसको पिला देना है। ये इस तरीके से पिला देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त गफ़ान। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब चूज़ा ढाई महीने का हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि चूज़ा ग्रोथ रोक देता है। चूज़े की ग्रोथ रुक जाती है, ढाई महीने तक वो सही ग्रोथ करता है, उसके बाद वो ग्रोथ को रोक देता है। क्यों रोकता है इसकी वजह ही बताता हूँ और उसकी ग्रोथ कैसे मतलब ग्रोथ करता है मज़ीद। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। दोस्तों जब चूज़ा ढाई महीने का हो जाता है तो वो ग्रोथ क्यों रोक देता है, क्योंकि उसके पेट के अंदर जो पोटे के अंदर कीड़े हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, इसी वजह से वो अपनी ग्रोथ रोकता है। वो जो चीज़ भी खाता है तो वो सारी चीज़ें वो कीड़े खा जाते हैं। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, क्योंकि मेरे जो चीज़ें हैं ये ढाई महीने के हो चुके हैं, अब मैं इनकी करने लगा हूँ डिवॉर्मिंग। तो आपको इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि डिवॉर्मिंग किस तरह करनी है और उसकी उनकी फिर उसको खुराक आगे क्या देनी है। तो इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप सब पूरी आप लोग को तरीका बताता रहूँगा। अभी मैं आज इनकी डिवॉर्मिंग करने लगा हूँ, तो आज मैं सिर्फ आप लोग को इनकी डिवॉर्मिंग का तरीका बताऊँगा। अगर मैं इनके अभी ढाई महीने के हो चुके हैं, अगर मैं इनकी अभी डिवॉर्मिंग ना करूँ तो क्या करेंगे, ये ग्रोथ रोक देंगे, ये क्या होंगे सोखड़े में आ जाएंगे। बाजूका चूज़े सोखड़े में चले आते हैं, कुछ चूज़े होते हैं जिनकी बाँव की जो उंगलियां होती है वही टेढ़ी हो जाती है। तो डिवॉर्मिंग जब चूज़ा ढाई महीने का हो जाए तो डिवॉर्मिंग लाजमी करनी चाहिए, उनकी पेड़ की जो कीड़ों की सफाई लाजमी करनी चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि अभी मैंने सबसे पहले आप ये आप लोगों को बता दूँ कि मैंने इन चूज़ों को मैंने सुबह दाना डाला और पानी डाला, सुबह दाना पानी मैंने इनको डाला, फिर 12-1 बजे के टाइम फिर मैंने इनसे दाना और पानी निकाल दिया, फिर इनको मैंने भूखा प्यासा रखा हुआ है। भूखा प्यासा इसलिए रखा हुआ है, अगर इनका पेट भरा हुआ होगा आप इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, इनके कुछ कीड़े मर जाएंगे पोट के अंदर और कुछ बच जाएंगे, क्योंकि वो अंदर उनके पोटे के अंदर दाना पानी होगा। तो इसलिए आप इनका पोट क्या करना, फुल खाली रखना है, 12 बजे के टाइम आपने निकाल देना है। फिर आपने अभी जो डिवॉर्मिंग करनी है ये आपने शाम के टाइम करनी है। अभी मैंने कहा कि दाना पानी का निकाल दिया और अभी मैं इनको डिवॉर्मिंग करने से पहले सबसे पहले इनका खिलाऊंगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिए, शक्कर है ये, आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो ये शक्कर बिल्कुल चूरा चूरा है, देखें इस तरह। तो आपने ना डिवॉर्मिंग मतलब जेंटल पिलाने से पहले इस तरह का आपने इनको ये गुड़ खिलाना है। शक्कर है मेरे पास, तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, बिल्कुल अगर गुड़ हो तो बिल्कुल इस तरह शक्कर की तरह उसको बना लें ताकि वो ईजिली खाएँ। अब इनको क्या करें, इनको चूज़ों को भूख लगी हुई, जब मैं डालूंगा ये खुद ही खाएंगे। तो फिर मैं भी डालता हूँ, फिर आप लोग को ये देखता हूँ, खिला के भी दिखाता हूँ। देखो दोस्तों चूज़े कितने शौक से खा रहे हैं शक्कर। तो भूखा रखने से होता है कि ये शक्कर भी खुद खा लेंगे, आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको गोलियाँ बना के। आप देखें इस तरह खुद खाते रहेंगे, तो इस तरह खुद खा लेंगे। इसके 10 मिनट बाद हम इसको इनको जेंटल सिरप पिलाएंगे, तो वो पिलाना किस तरह है वो भी पिला के आप लोग को दिखाऊंगा। फिर इसके बाद मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जब डिवॉर्मिंग हो जाए उसको आप क्या खिलाना है। चूज़ों ने तमाम शक्कर खा लिए, तो आपने जेंटल पिलानी कब है, 10 मिनट बाद, जब ये गुड़ या शक्कर खा लें उसके 10 मिनट बाद आपने इनको जेंटल पिलानी है। कितनी पिलानी, कितनी मिकदार में, मैं आप लोग को वही बता देता हूँ। अभी कोई इस तरह का बर्तन ले लेना जिसमें आपने दवाई डालनी है और पानी डालना है। मैं एक बताया तो आपको, ये 5 cc का टीका है, इंजेक्शन है। तो अगर कोई चूज़ा नहीं पिए तो उसको इस पैप के ज़रिए पिलाया जाता है। मैं आपको बताया तो किस तरह पिलाएंगे, लेकिन अभी चूज़ों को मैंने प्यास रखा तो मैं इसमें डालूंगा पानी और जेंटल, ये जेंटल सिरप, तो चूज़े जो है ना वो खुद पियेंगे। ये जेंटल सिरप है, कीड़े मार रहे हैं, दवाई है, ये देख सकते हैं। तो ये पिलाऊंगा, पिलाना किस तरह आपको मैं एक चूज़े की बताता हूँ। आपने एक चूज़े किस तरह, आपने इस तरह पानी ले लेना है, पानी आपने देखें 4 cc आपके पानी होना चाहिए, मैं कम कर देता हूँ उसमें ज़्यादा आ गया, देखें 4 cc पानी लिया एक चूज़े के लिए, वो उसमें डाल दें इसे कटोरे में, 4 cc पानी होगा और 1 cc जेंटल सिरप होगा 1 cc। तो इस तरह ये 1 cc हो गया, तो इस तरह ये डाल दिया, ये एक चूज़े की खुराक है इस तरह। सही है, अभी ये एक चूज़े को इसमें मिक्स करके
तो आप इस सिंज में भर के भी एक चूज़े को पिला सकते हो। अगर ज़्यादा हैं तो फिर आप इसी तरह कटोरे में बनाए किसी चीज़ में, तो चूज़े खुद ही पी लेंगे सारा, तो सही है ना। तो अभी ये एक चूज़े की खुराक इस तरह है। अब मैंने 7 चूज़ों की बनानी है, तो मैंने ये 4-4 सीसी भर के 7 टीके ये डालूँगा पानी के, और 7 सीसी इसका डालूँगा जेंटल सिरप का डालूँगा, क्योंकि मेरे पास 7 चूज़े हैं। ये एक चूज़े की खुराक बताई थी मैंने, 4 सीसी पानी होगा और 1 सीसी जेंटल सिरप। तो ये पूरा इंजेक्शन भर के आपने हिला के और एक चूज़े को पिला देना है। इस पेप के ज़रिए भी आप इस तरह पिला सकते हैं। लेकिन तो देखिए मैंने ये 7 चूज़ों के लिए बना लिया है ये, तो मैं इन चूज़ों को पिलाता हूँ। अगर ये खुद पी लेंगे चूज़े, अगर खुद नहीं पिए तो ये सिरिंज एक एक भर के इनके मुंह खोल के पिला रहूँगा। तो पहले मैं आप लोगों को इसी दिखाता हूँ कि इन्हें पीते हैं कि नहीं पीते। तो ये खुद ही नहीं पी रहे थे तो इसको पिलाना पड़ेगा। देखिए मैंने इंजेक्शन के अंदर भर दिया ये, तो मैंने इंजेक्शन के अंदर भर दिया ये 5 सीसी भरा हुआ है पानी वाले साथ। और माशाल्लाह से आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं जी, माशाल्लाह से फीमेल है। तो उसको भी पिलाता हूँ मैं। तो आपने पिलाना किस तरह, एक भर के आपने इस तरह मुँह खोल के इसका इस तरह से मुँह खोल के दो बंदे पकड़ लें और के मुँह में पाइप डाल के और आराम आराम से इस तरीके से इसको पिला देना है। ये इस तरीके से पिला देना है सारे चूज़ों को एक एक पकड़ के आपने 5 सीसी पिला देना है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ आगे, इस तरह सबको पिलाऊंगा मैं। पिलाने के बाद मैं आप लोग बताता हूँ कि फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। तो दोस्तों मैंने सबको जेंटल सिरप पिला दिया है। तो मैंने आपको बताया कि आपने पिलाना किस तरह है, किस तरीके से पिलाना है और कितने पहले ग्रुप खिलाना है, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद आपने जेंटल सिरप पिलाना किस तरह है। 4 सीसी पानी लेना है और 1 सीसी जेंटल सिरप एक चूज़े की खुराक में आप बताइए। सारा तमाम चीज़ों को पिला दिया, टीका मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आपने इस तरह कर लेना टीका, देख सकते हैं फोकस कर देता हूँ मैं। और इस तरह का छोटा सा पाइप मिलेगा, ये आपको साइकिल वाली दुकान होती है उसके ट्यूब में से निकलता है ये, वो पाइप है छोटा, तो ये इस तरह से आपने ले लेना है। तो ये फिर पैप मुंह में डाल के फिर आपने पिलाना है, डायरेक्ट नहीं पिलाना गले में इनके फंस जाते हैं, तो आपने पैप मुंह में डाल के उसके बाद आराम से इजीली पिला देनी है, सही है। तो दोस्तों आपने इसे पिलाने के बाद मैंने इसको पिला दिया है, तो अब मैं उनको जो खुराक डालूंगा वो मैं सुबह खुराक डालूंगा। तो सुबह मैं इनको क्या खुराक डालूंगा, पानी के अंदर मैं 2-3 दिन तक लगातार मैं ORS का पानी दूंगा, क्योंकि इनमें थोड़ी सी भी कमज़ोरी हो जाएगी, क्योंकि जेंटल सिरप भी इनकी पेट की सफाई होगी, इसीलिए मैं ORS का पानी दूंगा ताकि ये एक्टिव रहे बिल्कुल, और क्या नाम इनके जितने भी विटामिन है पूरे रहें। तो अभी मैं क्या करूँगा, 3 दिन तक इनको लगातार पानी के अंदर ORS का पानी पिलाता रहूँगा, और खाने में इनको क्या दूंगा मैं, 3 दिन तक ORS का पानी देना इनको डेली, 3 दिन तक 24 घंटे इनका पानी पड़ा रहे ORS वाला। और इनको कल मैं क्या दूंगा, पहली खुराक जो अभी जेंटल सिरप के बाद जो कल मैं इनको खुराक दूंगा, तो मैं इनको कल डबल रोटी पानी में नरम करके दूंगा मैं। आप इनको डबल रोटी भी दे सकते हैं और रोटी को नरम करके पूरी रात सुबह वो भी दे सकते हैं, और पापों का भूरा होता है पापे लिए, उसको आप में चूरा चूरा करके थोड़ा सा पानी डाल के वो भी उनको दे दें। तो ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको अवेलेबल हो इजीली, तो आप वो इनको खिला दें सुबह, फिर उसके बाद शाम का आप इनको थोड़ा सा दाना खिला दें, फिर अगले दिन से आप इनकी जो खुराक इनको आप खिला सकते हैं वो आप इनको खिलाएं। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बेस्ट से बेस्ट खुराक बता देता हूँ, क्योंकि उनको इनके पास इनको मैं कौन कौन सी खुराकें और खिलाई जा रहा हूँ, तो जब मैं डिवॉर्मिंग कर कौन कौन सी खुराक खिला रहा हूँ, तो उसके बाद मैं मजीद वीडियो बनाता रहूँगा इनके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कि इनको कौन कौन सी खुराक खिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल असली हिंस लोगों को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।